हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है एथिक्स एंड कल्चर, इसका यूनिट 1 का टॉपिक करेंगे। तो अगर आपके पास भी वैक में एथिक्स एंड कल्चर सब्जेक्ट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, एथिक्स एंड कल्चर का मतलब क्या होता है? नैतिक मूल्य, ठीक है, नैतिकता और संस्कृति भी बोल सकते हैं आप। अब आपका जो यूनिट 1 का टॉपिक है, इसमें आप पढ़ेंगे नैतिकता के बारे में, नैतिकता क्या होती है। तो नैतिकता जो है ये और कुछ नहीं है बल्कि दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है, जो कि नैतिक सिद्धांतों व नैतिक मूल्यों से संबंधित होती है। मतलब इसमें हमें क्या बताया जाता है, नैतिक सिद्धांत और नैतिक मूल्य बताए जाते हैं कि क्या सही गलत, क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके अलावा अलग अलग परिस्थितियों में कैसे हमें कोई भी काम करना चाहिए, ये सब हमें कैसे पता चलता है, नैतिकता तथा संस्कृति के बारे में पढ़कर। ठीक है, तो एथिक्स एंड कल्चर जो है ये आपको यही बताता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से समाज में कैसे निर्णय लेने चाहिए, इस चीज़ का मार्गदर्शन भी हमारा कौन करता है, हमारे एथिक्स ही करते हैं। ठीक है, नैतिकता का अगर हम आधार देखें तो नैतिकता जो है इसको कई चीज़ों के द्वारा समझा जा सकता है, जैसे दार्शनिक दृष्टिकोणों, जैसे सिद्धांतवादी, परिणामवादी व सदाचारवादी, इन सब माध्यमों के द्वारा नैतिकता को अच्छे से समझा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो नैतिक मूल्य होते हैं या जो एथिक्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें कर्तव्य आधारित नैतिकता के बारे में जाना जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें इस चीज़ पर फोकस किया जाता है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि हमें करने चाहिए, मतलब कि इसमें विभिन्न तरीके के कार्यों पर फोकस किया जाता है, जोर दिया जाता है कि इस चीज़ पर जोर दिया जाता है कि इंसान जो है वो अच्छे कार्य करे। ये जो श्रेणी है डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स, इसमें धर्म संगत नैतिक कार्य करने पर जोर दिया जाता है, ऐसे कार्य जिनका परिणाम सही हो। ठीक है, इसके अलावा इसका अगर हम उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण में प्राकृतिक कानून शामिल है। कुछ कानून प्राकृतिक होते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी मतलब कि जीवन जीने का अधिकार, एंड शिक्षा का अधिकार, या आप अन्य अधिकार भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जो कि प्राकृतिक होते हैं। तो ऐसे जो कानून होते हैं वो भी इसी में शामिल है। दूसरा होता है परिणामवादी नैतिकता, जिसमें क्या किया जाता है, कार्यों के परिणामों के महत्व पर जोर दिया जाता है, मतलब कि कार्य करने से पहले ही सोच लिया जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, कार्य की नैतिकता इस चीज़ पर निर्भर करती है कि उसका परिणाम क्या होगा। ऐसा कार्य जिसका परिणाम अच्छा हो यानी कि वो नैतिक कार्य है, ऐसा कार्य जिसका परिणाम बुरा हो यानी कि वो अनैतिक कार्य है। ठीक है, तो ये होता है परिणामवादी सिद्धांत में। तीसरे नंबर पर आता है सदाचार। ये जो है ये नैतिकता का एक दार्शनिक दृष्टिकोण है, जिसमें इस चीज़ पर जोर दिया जाता है कि इंसान जो है वो अपने अंदर विभिन्न गुणों को विकसित करे, जैसे ईमानदारी, साहस, करुणा, एंड इन गुणों को जब व्यक्ति विकसित करेगा तो उसका चरित्र अच्छा हो पाएगा। एंड इसमें कहा जाता है कि जो नैतिकता है ये विशिष्ट नियमों का पालन करने या विशेष परिणामों का पीछा करने के बजाय व्यक्तिगत चरित्र के महत्व व अच्छी आदतों पर जोर देती है। मतलब कि इसमें कहा जाता है कि नैतिकता जो है इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है उसकी आदत अच्छी हो, ठीक है, एंड व्यक्ति जो है वो समाज का भला करे, समाज की समग्र भलाई करे। ठीक है,
कुल मिलाकर नैतिकता का जो आधार है वो नैतिक निर्णय लेने तथा व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक था नैतिकता के बारे में, ये एक तरीके से नैतिकता का परिचय ही था। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।